उस दिन मेरा फर्स्ट डे था, तो मैंने इनको अपनी सारी सिचुएशन बताई थी, तो उस जरिए इन्होंने मेरा फ़ोन नंबर लिया और इनसे मेरी बातचीत होना शुरू हो गई। मेरे को अभी करीबन 3 महीने पहले पता चला कि इनकी शादी हो चुकी है और ये 8 साल से जब इसे मेरे साथ रह रहे थे, तो ये बोल रहे थे कि अभी हमारी स्थिति सही नहीं है, स्थिति सही होगी तो हम एक बच्चा ज़रूर करेंगे। तो इस बीच में मैं प्रेग्नेंट 3 बार हो चुकी थी और इन्होंने मेरा 3 बार अबॉर्शन कराया। अपनी आईडी से पैसे निकाल, क्रेडिट कार्ड बनवा देते हैं, पैसे निकाल लेते हैं। तो इन्होंने 3 लाख रुपए मेरे क्रेडिट कार्ड से निकाले और 4 लाख रुपए जो थे वो मैंने घर बनाने के लिए रखे हुए थे, तो इन्होंने वो 4 लाख रुपये भी मुझसे लिए जी। नमस्कार, द पब्लिक रिपोर्टर, आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ हरियाणा से ममता ठाकुर लाइव जुड़ी हैं और उनकी कुछ समस्याएं हैं। समस्या ये है कि इनके साथ कंपनी में विवेक उपाध्याय नाम का बहराइच का रहने वाला लड़का इनको तो पहले प्रेम जाल में फंसाता है और ये कहता है कि मैं, मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन बाद में जब इनको पता चलता है कि उसकी शादी हुई है तो इनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और अब ये न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। ममता हरियाणा की रहने वाली हैं, वहाँ से इस बात को समझने और समझाने के लिए वो पहुंचती हैं बहराइच, लेकिन वहाँ पर भी इनकी बातों को नहीं सुना जाता है और अब वो फरार है। कई दिनों से उसका फ़ोन बंद है और ममता उसके ऊपर कई लाख रुपए खर्च कर चुकी हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ममता से उनकी पहली मुलाकात कब हुई और किस तरीके से उसके प्यार की झांसा में ये आ गई, क्या उनको नहीं पता था, ये तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ममता जी, आप हरियाणा में कहाँ की रहने वाली हैं? नमस्कार, मैं पलवल हरियाणा से रहने वाली हूँ जी। पलवल हरियाणा की आप जी? पलवल हरियाणा की रहने वाली, क्या करती हैं ममता आप जी? मैं पहले कंपनी में जॉब करती थी और जब से ये मुझे मिले 2-3 साल से मैं घर पे रहती हूँ। अच्छा, क्या इनका नाम था जो आप बता रहे हैं कि मेरे पति हैं, इनका क्या नाम था? इनका नाम विवेक कुमार उपाध्याय है जी। कहाँ के रहने वाले हैं ये? ये बहराइच यूपी के रहने वाले हैं। अच्छा, किस वर्ष में इनसे पहली आपकी मुलाकात होती है, सन क्या, कोई साल याद है आपको? हाँ जी, मुझे याद है, सन 2017 और 25 सितंबर को इनसे मेरी पहली मुलाकात कंपनी के जरिए होती है जी। पहली बार में मुलाकात के दरमियान क्या हुआ था, कैसे इन्होंने आपको पसंद किया, आपने इनको कैसे प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया? पहले दिन जो कंपनी में जाते हैं तो अपनी जो सुपरवाइजर होते हैं उनको अपनी सिचुएशन सारी बताई जाती है, तो उस दिन मेरा फर्स्ट डे था तो मैंने इनको अपनी सारी सिचुएशन बताई थी, तो उस जरिए इन्होंने मेरा फ़ोन नंबर लिया और इनसे मेरी बातचीत होना शुरू हो गई। क्या करते थे कंपनी में ये, क्या करते थे और आप कंपनी में क्या करती थी? ये क्वालिटी इंजीनियर थे कंपनी में और मैं क्वालिटी इंस्पेक्टर थी। अच्छा, कब आपको पता चला कि इनकी शादी हो चुकी है? मेरे को अभी करीबन 3 महीने पहले पता चला कि इनकी शादी हो चुकी है। यानी कि 2017 में मेरे साथ रह रहे थे। 2017 में आपसे इनकी मुलाकात हुई और किस वर्ष में ये पता चला कि इनकी शादी हो चुकी है? मेरे को अभी इनकी 30 जून को पता चला, 2024 में। 2024 में, यानी 7 साल तक आप इनके साथ में रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इनसे कोई आपका बच्चा भी है? नहीं, बच्चा नहीं था, 3 अबॉर्शन करा चुके हैं ये मेरा। अच्छा। हाँ जी। आपने मना नहीं किया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, जब आप हमारे पति हैं तो मैं नहीं करूँगी, आपके बच्चे की माँ बनूंगी? मैं पहले से शादीशुदा थी, मेरे एक बेटी थी पहले पति से। अच्छा। तो ये सब कुछ इनको सब कुछ पता था, तो मैंने इनसे एक दो बार बोला भी कि अब हमारी शादी हो चुकी है तो एक बच्चा हम अपना कर लेते हैं, तो ये बोल रहे थे कि अभी हमारी स्थिति सही नहीं है, स्थिति सही होगी तो हम एक बच्चा जरूर करेंगे। तो इस बीच में मैं प्रेग्नेंट 3 बार हो चुकी थी और इन्होंने मेरा 3 बार अबॉर्शन कराया। अच्छा, खबर ये भी है ममता कि आपने इनके ऊपर कई लाख रुपए खर्च किए हैं, कैसे खर्च किए हैं और क्यों किए थे इनका उनके ऊपर खर्च? ये जी मेरे साथ रहते थे 7-8 साल से, कंटिन्यू मेरे साथ ही रहते थे, अपने घर कभी नहीं जाते थे, तो उस बीच में इन्होंने मुझे बोला कि मैं कंपनी लगानी है मुझे अपनी, तो इन्होंने मेरे क्रेडिट कार्ड में, जो हरियाणा से लोकल हूँ, तो इन्होंने मुझे बोला कि मुझे आप अपनी आईडी से पैसे निकाल, क्रेडिट कार्ड बनवा देते हैं, पैसे निकाल लेते हैं। तो इन्होंने 3 लाख रुपए मेरे क्रेडिट कार्ड से निकाले और 4 लाख रुपए जो थे वो मैंने घर बनाने के लिए रखे हुए थे। अच्छा, तो इन्होंने वो 4 लाख रुपए भी मुझसे लिए जी। अच्छा, मतलब टोटल 7 लाख रुपए इनके ऊपर आप खर्च कर चुकी हैं। हाँ जी, 7 लाख रुपए जी इनके ऊपर मेरा। आपकी जो पहले पति जो इस दुनिया में नहीं है, अफसोस है और ये माफी के साथ इस सवाल को कर रहा हूँ आपसे कि जो पहले पति थे उनकी डेथ कब हुई थी और कैसे हुई थी?
उनकी वो डेथ नहीं हुई है, वो कहीं किसी और के साथ चले गए थे। तो अच्छा उनसे मेरे एक बेटी थी, तो मैं अपने मायके पलवल रहती थी। अच्छा हाँ जी, तो वो क्या करते, आज तक उनका कुछ पता आता पता नहीं है, वो जिंदा है कि मरे हैं। क्या करते थे वो आपके साथ जब रहते थे तो? वो भी कंपनी में जॉब करते थे। हाँ अच्छा चलिए ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। ममता, अब जी 2017 से लेकर के 24 तक आपका रिश्ता चला, फिर 24 में आपको पता चलता है कि इनकी ऑलरेडी पहले से शादी है। जैसे उनको पता, आपको पता चलता है कि इनकी पहले ही शादी हो चुकी है, उस वक्त आपने क्या किया? मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बोला कि वो मुझे पसंद नहीं थी, तो इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। तो फिर मैंने कहा कि आगे क्या है, आगे क्या करना है। तो वो बोलते हैं कि मैं उसको भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरी माँ बाप ने शादी कराई है और मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता, इन्होंने मुझे ये बोला। तो फिर मैंने एक इंसानियत के नाते सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वो भी एक इंसान है, साथ में रह लेते हैं। तो ये चीज़ 2-3 महीना तक चलती रही, और अब ये क्या, मैं 29 सितंबर को मेरे से झूठ बोल के यहाँ से गए हुए हैं कि घर में किसी की तबीयत खराब है, और उसी दिन से इन्होंने अपना फोन बंद कर रखा है। अच्छा, अब रखने को तैयार नहीं है, आपसे बातचीत करना इन्होंने बंद कर दिया, और आपको लग रहा है कि अब मेरे पति मुझको छोड़ करके चले गए हैं, मुझे नहीं रख सकते हैं। हाँ जी, अब इन्होंने बोल दिया कि मैं आपको नहीं रखूंगा, और पैसे देने से भी इनकार कर दिया है इन्होंने मेरा। अच्छा, जो आपने पैसे खर्च किए थे वो पैसे भी आपको देने से इनकार कर दिया है। हाँ जी ममता को अगर वो उसको उसके पैसे मिल जाएं तो क्या उनका पीछा छोड़ देगी, उनसे बातचीत नहीं करेगी या इस तरह ही रखेगी? सर, एक बात बताइए, अब मेरा जी कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, इनको मैंने सब कुछ अपना समझा। तो सर, इज्जत इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो मैं यही चाहती हूँ कि भाई मुझे भी रखा जाए। बहराइच आप गई थी तो उन्होंने क्या कहा, उनसे बातचीत हुई आपकी? मैं बहराइच गई थी, इनके माता पिता ने मुझे उनसे बात नहीं करने दी और नहीं घर के अंदर जाने दिया। अच्छा, पुलिस स्टेशन में कभी कंप्लेन किया आपने इस बात को लेकर के? हाँ, मैंने अभी एक दिन पहले कल पुलिस कंप्लेंट करने गई थी, तो उन्होंने फोन किया उनको कि आप यहाँ पे हरियाणा आइए, आपके नाम की कंप्लेंट है। तो अब उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें नहीं आना। अच्छा, क्या क्या चाहती हैं, क्या करने वाली हैं आगे आप, किस तरीके से आप अपने अपनी न्याय की लड़ाई लड़ेंगी? मुझे जी न्याय चाहिए क्योंकि मैं, इनके सिवा मेरा कोई नहीं है, और इस यहाँ पे मेरी इज्जत बहुत खराब हो रही है क्योंकि 8 साल से ये मेरे साथ रहते थे, सबको पता है ये मेरे पति हैं, तो मैं न्याय चाहती हूँ। बिल्कुल, ममता ठाकुर हैं हरियाणा से, इन्होंने साफ तौर पे एक बात कही कि अभी इनके सिवाय मेरे दुनिया में कोई नहीं। इन्होंने ये भी बताया कि मेरे पहले पति कहीं और चले गए, अब वो जिंदा है कि मर गए इसका कोई मुझे पता नहीं है। ममता के साथ जो विवेक उपाध्याय हैं, पहले दोस्ती करते हैं, फिर धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल जाता है, चूँकि दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, और ममता विवेक के ऊपर इतना ट्रस्ट करने लगती है, इतना भरोसा करने लगती है कि उसके पास जो भी सेविंग कर रखा था उसने घर बनाने के लिए, अपनी पहली बेटी के साथ हंसी खुशी गुजारने के लिए जो उसने पैसे रखे थे अपनी बच्चे के भविष्य के लिए, उस पैसे को भी विवेक उपाध्याय ने अपने ऊपर खर्च किया, अपनी दुनिया बनाई, और जब ममता के पास अब कुछ नहीं रह गया तो इनको डार्क में रख करके अब छोड़ के भाग गया है। ममता अब दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, ऐसी तमाम लड़कियां हमारे देश में हैं कि पहले उनको डार्क में रखा जाता है, प्यार के झांसे में रखा जाता है, और जब सब कुछ उनका वो उसकी असमत से खिलवाड़ कर लेते हैं, उसके जिस्म के साथ खेल लेते हैं, जब उनका मन भर जाता है तो उसको छोड़ करके चले जाते हैं। ये कोई पहली ममता नहीं है, ममता ठाकुर पहली नहीं है हमारे देश में, इतना कितनी लड़कियाँ हैं, आप चाहे अयोध्या का उदाहरण ले लीजिए, या बलिया का ले लीजिए, या दिल्ली का ले लीजिए, तमाम ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि इस तरीके से लड़कियों का शोषण किया जाता है ऐसे लड़कों द्वारा, और उन्हें फिर प्यार का झांसा दे करके, शादी का झांसा दे करके शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, यहाँ तक कि अबॉर्शन भी करा दिया जाता है, और अब उनको रखने के लिए लोग तैयार, ऐसे लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में ना ये आगे की हो रही ना पीछे की, कहीं इनकी दुनिया अब इनको नज़र नहीं आ रही है। ऐसे कंडीशन में बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि एक गलत कदम उठा जाते हैं, लेकिन मैं ममता से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी लड़ाई को लड़ें और आगे इंसाफ मानने की कोशिश करें, और आगे जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ऐसी महिला हेल्पलाइन है, वहाँ पर भी संपर्क करें, हो सकता है कि इस पूरे मामले में इसको न्याय मिले और उसको साजी मिले, सजा मिले। ममता, एक आखिरी सवाल करूँगा आपसे कि क्या कहेंगे इस तरीके से जो लड़कियों के साथ हो रहा है, ऐसे लड़के कर रहे हैं कि वो बताते नहीं हैं, पहले प्यार के झांसे में फंसाते हैं और इस राह पर ला करके आपको छोड़ देते हैं, ऐसी लड़कियों को क्या कहेंगी ऐसे इस मामले को लेकर के? मैं इस मामले को लेकर यही बोलना चाहूँगी कि आज की दुनिया में विश्वास नहीं करा जा सकता है किसी पे भी। हाँ जी, और जो मेरे साथ हुआ वो आगे किसी के साथ ना हो, क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हुआ और मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ। उन लड़कियों के लिए क्या कहेंगी जो पल भर में किसी के प्यार के झांसे में आ जाती हैं?
मैं उन लड़कियों से यही बोलना चाहूँगी कि जो भी कदम उठाए सोच समझ के, अपने घर वालों से पूछ के, अपने रिश्तेदारों से पूछ के आगे जो कदम उठाया जाए बहुत सोच समझ के उठाना। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन से आपको न्याय नहीं मिलता है और आपको अपना हक नहीं मिलता है, तो आप अब आगे क्या करने वाले हो? अभी मैंने तो बस यही सोचा है, क्योंकि मुझे लड़ाई तो लड़नी है, क्योंकि मेरी और मेरी बच्ची का भविष्य खराब है। और मैं पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहूँगी कि मुझे न्याय मिले, जहाँ तक है मेरी बच्ची को न्याय मिले। चलिए, बिल्कुल, हमसे बातचीत करने के लिए ममता बहुत बहुत शुक्रिया। हम हालांकि इस खबर के माध्यम से हम भी रिक्वेस्ट करेंगे हरियाणा के जो CM हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वहाँ के प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी करेंगे, क्योंकि वो लड़का बहराइच का रहने वाला है, और ऐसी कंडीशन में कोई कड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि ऐसी न जाने कितनी लड़कियाँ जो हैं हमारे देश में, कुछ तो खुल करके मीडिया के सामने आकर के अपनी बातें कर रही हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी लड़कियाँ भी हमारे समाज में हैं जो अपनी मान सम्मान को बचाने के लिए चुप्पी मार करके बैठी हैं, और दिन पर दिन घुट घुट करके वो मरने को मजबूर है, लेकिन किसी को कहती नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमारी सरकार को चाहिए एक अच्छा कदम उठाए और ऐसा कानून बनाए कि फिर से दोबारा कोई ऐसा ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी हमसे बातचीत करने के लिए।